नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल के पी एस द एजुकेशन अड्डा में। डीएलएड बीटीसी का जो द्वितीय सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित विषय जो कि परीक्षा 6 नवंबर को हुई थी, उस परीक्षा को किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया था। आज उस परीक्षा को पुनः संपादित कराए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो साथियों, यहां पर लिखा हुआ है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर, डीएलएड बैच 2013 या फिर 2014-15 डीएलएड प्रशिक्षण 2017 एवं डीएलएड 2018 द्वितीय सेमेस्टर के जो बैक हैं या अवशेष प्रशिक्षु हैं आपसे जिनका बैक पेपर है का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित विषय की प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 6 नवंबर को समय 12 से 1 बजे तक निर्धारित परीक्षा का जो निर्धारित परीक्षा थी वह 7/11/2020 को निरस्त कर दी गई थी। साथियों, निरस्त परीक्षा को पुनः संपादित कराए जाने हैं तो पृथक से या अलग से कार्यक्रम निर्गत किए जाने के निर्देश दिए गए थे। तो साथियों, जो निरस्त परीक्षा थी डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर बीटीसी बैच 2013 एवं बीटीसी 2014-15 डीएलएड प्रशिक्षण 2017 एवं डीएलएड 2018 द्वितीय सेमेस्टर के जो बैक या बैक जो प्रशिक्षु हैं के जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है द्वितीय सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित विषय की, ठीक है, उस गणित विषय की परीक्षा अब कब होगी? 25/11/2020 दिन बुधवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, ठीक है, या परीक्षा केंद्रों पर संपादित कराई जाएगी। परीक्षा संबंधित पूर्व निर्गत दिशा निर्देश जो है वो यथावत रहेंगे। तो साथियों, डीएलएड जो भी द्वितीय सेमेस्टर के जो भी प्रशिक्षु साथी हैं उनकी जो परीक्षा 6 नवंबर को हुई थी गणित विषय की, वह परीक्षा 12 से 1 बजे के मध्य हुई थी, उस परीक्षा को क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था किसी कारणवश। तो साथियों, वह परीक्षा अब कब होगी? वह परीक्षा अब क्या होगी? 25 नवंबर को होगी। तो 25 नवंबर दिन बुधवार को जो समय है उसका क्या रहेगा? 10 बजे से 11 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो 10 बजे से 11 बजे तक पूर्व निर्धारित जो परीक्षा केंद्र है उन पर संपादित कराई जाएगी। तो साथियों, यह थी हमारी आज की खबर। साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।